ये जो अभी अर्निंग हो चुकी है वो अर्निंग मैं दिखा दे रहा हूँ अभी तक कि तुम्हारे भाई के। टाइम चेक करो, 7:56 यानी कि 8 घंटे में 980 रुपये की अर्निंग केवल पोर्टर पोर्टर में हो चुकी है। आप लोग समझ सकते हो। बाकी मिलते हैं अभी, देखो यहीं पे फिर से लगेगा पोर्टर। मुंशी पुलिया पे आ चुका हूँ, नेक्स्ट पोर्टर को वेट वेट करता हूँ, तो चाय वाय पीते कहीं कोने में रोक के। हेलो गाइस, कैसे? उम्मीद करते कि सब एक नंबर दुई कौड़ी के हो गए, दुई एक नहीं दुई। तो भैया आज का दिन पता है कैसा है? पहले तो बाउंड्री वॉल देख लो चारों तरफ, समझ में आ रहा होगा कहाँ बैठे हैं। जानकीपुरम आ गए, हमने कहा बक्सी तालाब पे कुछ होता नहीं, वहाँ पे रिकॉर्ड करो, दिमाग खराब होता है, अनमन सड़ हो जाता है। तो देखो भाई, 11:58 12 बजने में मात्र 2 मिनट का मेहबर खुरदार और ओला खुला है। ये पीछे क्या नाम है, ये तो पोर्टर खुला है, देन और रैयर आ रहे बिडो। तो आज इन तीन ऐपों में काम करने वाले, तीन ऐपों में से फर्स्ट प्रायोरिटी देने वाले हैं पोर्टर को, जो कि पोर्टर ने कल निचोड़ दिया, बिल्कुल खेल खत्म कर दिया भाई। इतना गंदा काम कराया पोर्टर ने, और देखते हैं आज का सिनेरियो क्या है। पोर्टर आज उम्मीद है कि भगवान करे यार करा दे पोर्टर लखनऊ में काम। पता नहीं क्या मसला हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। खैर, कुछ जो पहले पोर्टर लगते थे ना, जैसे जानकीपुरम से 200-300 रुपये के निकलते थे भाई, 3 दिन हो गए देखने को नहीं मिल रहा है, देखने को ही नहीं मिल रहा है। और देखते क्या होता है, वेट कर रहे हैं अपन। यहाँ से हैं तो यहाँ पर कोई ना कोई एक लंबी ही राइड उठाएंगे, तब यहाँ से निकासी होगी हमारी। वेट करते हैं जब कोई राइड लगती है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आज जुम्मा है, लेंगे चुम्मा। तो गाइस, बहुत देर के बाद यानी 36 मिनट के बाद लगभग, और ये पोर्टर मैंने पकड़ लिया है, जिसका जो प्राइस है, मतलब इसका जो कितने का पोर्टर है बता रहा हूँ, एक सेकंड जरा देख लूँ। 157 रुपीज़ का पोर्टर है, 157 रुपये का। और इसका जो पिकअप आया भाई, 2.5 किलोमीटर से पिकअप आया, क्योंकि जहाँ पर बैठा था ना मैं AKTU पे, तो वहाँ से पिकअप आता ही है दाएँ बाएँ का। उस साला पटरी बनाता है, उसको लगता है कि बिल्कुल बगल में बैठे, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है? चल रहे फटाफट से इसको पिकअप करने के लिए। ये पिकअप है 6 मील से, जाना 4 बाग है। देखो पता नहीं लोकेशन सही है या गलत है, वो तो वहीं भी चल के मालूम चलेगा, ठीक है? गाइस पहुंच गए, यहीं से जाके मतलब लेकर के जाना है पॉपुलर ट्रैक्टर्स, इनका मतलब नाम है इनके फर्म का या दुकान का जो भी है, ठीक है? देखते आइटम क्या है, बोल रहे थे कि कुछ मसले मसाइल, और जाना कहाँ पर है, लोकेशन भी गलत है हमको ऐसा लग रहा है। अबे निकल जा भाई, आज मैं दूसरी वाली बाइक लेके आया, वो बाइक गई है सर्विस होने, पता नहीं कोई तो फ़ोन कर रहा। अच्छा आप ही कर रहे फ़ोन? भाई फ़ोन मत करो, हम आ गए। क्या जाएगा भाई आइटम? कौन सा? ये वाला? हाँ ये चला जाएगा, कोई मसला नहीं है। एक एक दो, नहीं नहीं ठीक है, ये चला जाएगा। कोई कई किलो है? बस एक किलो देख लें। है यार लगभग 20 से ज़्यादा लग रहा है ना। चलो अच्छा, ये कहाँ जाना है, कहाँ पर है? राजा जी पुरम। दिख रहा है इसमें, लेकिन लोकेशन गलत है, इसलिए मैंने पूछा। 4 बाग की लोकेशन डाली, जाना राजा। हाँ तो राजा जी पुरम लिखा है ना उसमें। अरे देखिए लोकेशन क्या लिखा है, 4 बाग है, यहाँ पे जाना है। वहाँ नहीं, राजा जी पुरम टैक्सी स्टैंड जाना है। अरे तो उसमें ऐड कर दी, मैं चला जाऊंगा, कोई दिक्कत? हम तो वहीं लगाते हैं ना हर बार, पता नहीं क्या करते हैं। ये देखिए ना आप देखिए, इसमें मेरी क्या गलती है भाई, आप तो अग्रेसिव हो रहे हैं। नहीं नहीं वैसे नाप तो रहे हैं। नहीं वो जो सेंस है ना उस बात का, तो क्या ही बताएं सर जी। ये देखिए 15 किलोमीटर खुल रहा है यहाँ से मैप, और ये रास्ता है 4 बाग रेलवे स्टेशन का। देखो मैंने लिखा, इधर देखो सर उधर उस, हाँ हाँ तो वहाँ पर भी लिख के आता है वो राजापुरम टैक्सी स्टैंड, यहाँ पे एड स्टॉप कर दीजिएगा। हाँ एड यहाँ पे वो कर दीजिए एड स्टॉप, जहाँ मैं लोकेशन जाना है मेरे को व्हाट्सएप मंगा दी, मैं पहुँच जाऊँगा। ये देखिए टैप हैज मल्टीपल स्टॉप डाल दीजिए। मल्टीपल स्टॉप को जाना तो एक ही जगह है। अरे तो लोकेशन गलत है ना, तो मैं कैसे जाऊंगा फिर वहाँ पे, ये भी तो मसला है। ये बाबूराव का स्टाइल है, तू ले। आपका यहाँ पे ऐड हो गया, अब मेरे को वो लोकेशन है वो भिजवा दीजिएगा उनसे कह के, मैं पहुँच जाऊँगा। टैक्सी स्टैंड मैंने लगाया है। अरे सर तो ये देखिए इसमें जो लिख के आ रहा है वो भी तो देखिए, ये लोकेशन कहाँ की आ रही है, ये देखो 4 बाग लिखा है, 4 बाग यहाँ, राजाजीपुरम कहाँ है देखो। हैं अभी वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ से उधर जाएंगे, तो आपका बहुत आप मेरे को उनकी लोकेशन है टैक्सी स्टैंड पे जाना है। चलो वो तो हम फिर हम गूगल मैप पे डाल ले रहा हूँ, एक मिनट आप उनसे बात कर लो, लोकेशन मिल जाएगी ना उसी नंबर पे। अच्छा अच्छा हाँ उनसे मैं लोकेशन मंगा ले रहा हूँ। पैसा कहाँ से मिलेगा?
चलो ठीक है फिर, आप देख लो पैसा पहले कंफर्म कर लो, कम ज्यादा ना पाल हां बात कर, कम ज्यादा मतलब पैसा तो कम ज्यादा हो गई ना, फिर उनसे बात कर ले रहा हूँ एक बार, ठीक है कॉल कर ले रहा हूँ। तो गाइज यहाँ से जाना है, मैं बता दूँ कैसे, इसे तो नहीं वो डिटेक्ट कर पा रहा मैप, मैं आपको खोल के दिखा दे रहा हूँ, उसके आसपास CMS राजा, अरे पाल तिराहा डाले दे रहे, वहाँ से 1 किलोमीटर का फ़र्क है, पाल तिराहा ग्रीन पार्क कौन सा खुल रहा भाई, पाल तिराहा आलमनगर, हाँ ये बिल्कुल एग्जैक्ट खुला, वहाँ से 1 किलोमीटर का फ़र्क है। तो ये जो पोर्टर है, ये पोर्टर 19 किलोमीटर नहीं मान लो लगभग 18 या 19, अब ये जिस रास्ते से दिखा रहा है तो बीच वाले रास्ते दिखा रहा है, इधर से जाना भी नहीं है मेरे को ये रास्ते से जाना पड़ेगा, 21 किलोमीटर का ये पोर्टर है, ठीक है। अब देखते हैं कितने रुपए वहाँ पे बढ़ते हैं घटते हैं, कि वहाँ पे पैसा मिलता है कि नहीं मिलता, पहले ही पोर्टर में अगर कलेश हो जाएगा, खैर चलो अपने पास तो वीडियो रिकॉर्डिंग है तो कोई कुछ होना तो है नहीं, अपना घुस के ले लेंगे भाई पैसा, बन चुका है फटाफट से चलते हैं, कस्टमर कुछ अगर 3 पास करेंगे तो देखा जाएगा, ठीक है भाई चलो फटाफट से 21 किलोमीटर वो तो सब ऐड हो जाएगा, अभी हेयर स्टॉप इनसे करा ही लिया हमने, गलत है, बस पैसा बढ़ जाना चाहिए भाई, तो फिर नुकसान हो जाएगा मेरा। चलो गाइस फाइनली पहुंच गया हूँ कस्टमर की लोकेशन पे, यहीं पे देना है ऑर्डर, और कस्टमर से बात भी कर रहा हूँ, उनका बिल पूछ रहे हैं कस्टमर कितना जनरेट हुआ है, देखते हैं बिल कितना जनरेट हुआ है। सर जी लाइन पे रहिएगा, हेलो, 316 रुपये सर जनरेट हुआ है बिल आपका, 316 रुपये भैया, उन्होंने गलत लोकेशन बल डाली थी इस वजह से ऐसा हुआ आपका फेयर। भैया इसमें जो आया वो बता रहा हूँ मैं, कुछ गलत नहीं बता रहा, अब हमको नहीं पता भैया जी, हमको नहीं पता है, आप एक काम करिए आप या तो कम जी क्या वापस ले जाए, ये हम कहाँ लेकर के जाएंगे, इसका तो और किराया बढ़ जाएगा भाई, भैया हैं अब हमको नहीं पता मेरे भाई, इसमें बन के आया है 316 रुपये, आप मैं पूरा वीडियो मेरे पास है, रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप देख लो आकर के, पूरा वीडियो है, आप उनसे बात करो ठीक है, मैं कंपनी में बात कर रहा हूँ ठीक है, देख रहे हो गाइस, हमें मालूम था कस्टमर कुछ ना कुछ अभी पिन लगे रहेंगे, कस्टमर कुछ ना कुछ बोलेंगे, इसी वजह से भाई हमने पहले सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था कि भाई कोई दिक्कत ना हो, अब मेरे को कंपनी से बात करना पड़ेगा, फटाफट से मैं कंपनी से बात करता हूँ, रुको पैसा चाहिए भाई, ये वापस काहे के लिए लेके जाएंगे हम, ये तो मसला भी गड़ गया, देख रहे हो भाई, जब लोकेशन गलत है तो आप मानो ना इस चीज़ को। भैया मैं यहाँ पर टिकट रेस करने जा रहा हूँ, चैट फेयर रिलेटेड इंक्वायरी कस्टमर रिलेटेड इशू, कस्टमर रिलेटेड इशू डाल दो, कस्टमर इज़ नॉट रीचेबल, कस्टमर वांट्स टू पे फाइनल फेयर, कस्टमर इज़ नॉट रेडी टू पे फाइनल अमाउंट, हाँ यहाँ पे टाइप करा, अभी मेरे को आएगा कॉल कंपनी की तरफ से, मैं बात करूँगा, कहूँगा भैया ये देखो ये सिनेरियो है, मेरे पास पूरा वीडियो है, आप वीडियो चेक करो, इन्होंने लोकेशन गलत डाली थी तो मैंने स्टॉप इसमें ऐड करवाया, जो कि जेन्युइन है प्रॉब्लम, आप लोग खुद सर्च करके देख लेना, चार बाग और ये राजाजीपुरम और जिस लोकेशन पे था मैं, ठीक है, बाकी मैं इधर छाँव में रुकता हूँ, देखता हूँ क्या होता है इसका प्रोसीजर पूरा, कंपनी की कॉल तो आने दो, हम पैसा कंपनी से लेंगे भाई, अगर ये नहीं देंगे तो हमें कोई मसला थोड़ी नहीं है, अब वो बात कर रहे हैं अपना, बात करेंगे मेरे, ठीक है देखते हैं क्या होता है, सब पूरा रिकॉर्ड करूँगा पूरा, पहले ही पोर्टर में कुड़कुड़ हो रहा आजकल, पता नहीं क्या हो रहा भाई पोर्टर में हमारे साथ। सर जी उन्होंने लोकेशन गलत डाली है जिसकी वजह से ये एड स्टॉप हुआ है, उसकी वजह से गलत हुआ ही लोकेशन, सर मेरे पास पूरा वीडियो प्रूफ है, हर एक एक चीज मैं वीडियो बनाता हूँ कंपनी की तरफ से, अब भाई हमें नहीं पता, मेरे ऐप में दिखा रहा है, आप कंपनी से चाहो तो कंपनी से बात कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, क्या चीज ये कंपनी की तरफ से पड़ता है, देखिए लगभग ये पड़ता है आपका 10 से 12 रुपए किलोमीटर पड़ता है चार्ज, हाँ। और इन्होंने लोकेशन गलत डाली जिसका एड ऑन होकर के पैसा इतना हुआ है, चार बाग से नहीं, ये जो बुक करा है वो छठे मील से बुक करा है सर,
छठे मील बक्सी तालाब। लाल बाग से नहीं आया सर ये छठे। 316 रुपए सर पूरा फाइनल अमाउंट। जी सर कॉल कट गई है, रुक जाओ फिर से मिला रहा हूँ। तो चलो फाइनली ये तैयार हो गए हैं देने के लिए, कह रहे हैं कि लड़का भेज रहे हैं। तो वहाँ पे देखो अभी तो कोई लड़का आया नहीं है और चलते हैं वहीं पे। वहाँ पे क्या करें जाकर के, ये समझ में नहीं आ रहा, यहीं छाओं में खड़े रहें। भाई हमारी गलती नहीं, गलती है आपकी, सीधी सी बात है भाई। जब आप गलती करोगे तो खामियाजा हम थोड़ी नहीं भुगतेंगे इसमें, हमको थोड़ी नहीं सब पूरा पैसा मिल जाएगा, कंपनी को भी तो कमीशन कटेगा, कंपनी को भी तो कमीशन का प्रॉफिट होगा। हम क्यों भाई उलझे, हम कंपनी से ले लेंगे अगर नहीं दोगे तो, सीधी सी बात है। ये भगवान क्या जुलूम है। चलो गाइस फाइनली आ गई है मैडम, मतलब उनके घर से कोई ना कोई सदस्य निकल के आ गया लेने के लिए। भाई इसमें मेरी गलती नहीं है, कह रहे कि 300 रुपये में संडीला। हमने संडीला से नहीं मतलब, हम लोग पोर्टर से भाई, हम लोग को यहाँ का फेयर मिलता है जो भी है। आप ही है मैम, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको भी, आप भी समझ जाओ थोड़ा सा। वो भी भैया थोड़ा परेशान हो रहे कि इतना कैसा फेयर बढ़ गया, उन्होंने लोकेशन गलत डाली जिसके चलते ये फेयर आपका ऐड बढ़ गया। चलो भाई निकाल के दिया जाए। एक सेकंड, इसको बता दिए कहाँ रख दो, भारी आप उठा नहीं पाओगे। भाई एक सेकंड, छाँव में रखवा लीजिए इसको, इस पे रख दे रहा हूँ। ओह भाई अब आप, अब मेरे को नहीं पता मैम जो कुछ भी है। देखिए 316 रुपये फेयर है, यही चाहिए मेरे को। चेंज दे दीजिए अगर हो तो, या तो ऑनलाइन कर दीजिए। चलो अच्छा दे रहा हूँ। चलो भाई 5 स्टार डन करते हैं, फाइनली मिल गया। दे रहा पैसे, दे रहा निकाल रहा हूँ। हाँ चलो भाई डन किया इसका, देखे कितना फेयर अपन को मिला। अभी अपडेट क्यों नहीं हुआ इसमें, 268 रुपये इस फेयर इस मतलब इस ट्रिप का, पहले ट्रिप का मेरे को मिल गया। ठीक है तो लो फिर से जिंदा हो गया पोर्टर। क्या एक सेकंड बजने वाला है मेरे को लग रहा, 73 रुपये ख्याली का जमीनाबाद राजाजीपुरम से उठाऊँ कि ना उठाऊँ, अमीनाबाद वहाँ से पोर्टर बजता तो है। देखे कोई उठा रहा हो तो उठाऊँ, चलो ले लेते हैं हम, छोड़ो उठा लिया भाई 73 रुपये का पोर्टर। ठीक है गाइस फाइनली आ गए, यही किताबें इन तबे जाएंगी, आप ही का है ना। चलो भाई किताबें तबे जानी है अबकी बार तो। जगह सिनेमा जहाँ पे कॉपी किताब की मार्केट लगती है। अरे यार ठीक है कोई मसला नहीं, ये जाएगा तो उसको पैक कर दीजिए, इसे कैसे बिखर नहीं जाएगा इसको तो। अरे रस्सी तो है लेकिन बिखरेगा तो नहीं, नहीं ऐसे रस्सी बांधो नहीं। हाँ रास्ते में बटोरते रहे मसला हो जाए। चलो भाई ट्रिप को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा कुछ तो है नहीं लेकिन है नरक जगह का, वहाँ से ये है कि पोर्टर मिल जाएगा। किस नाम से दुकान है उनकी, अपराजिता मार्केटिंग के नाम से, 5.7 किलोमीटर का है, कोई मसला नहीं। ठीक है चलते हैं गाइस, पहुँच तो गया हूँ, ये रहा अपराजिता मार्केटिंग, इन्हीं को देना है वो देखो ऊपर बुक्स में। ठीक है मैं पोर्टर को कर रहा हूँ डिलीवर, 73 रुपये यानी 70 ही रुपये मिले, 5 स्टार कर रहा हूँ डन। 4.5 स्टार पहुँच गए क्या उनको, हमें लग रहा। हाँ अब यहाँ से बजेगा पोर्टर पेलम पेल, तो ये पोर्टर के लोग बजने वाला, पहले ही बजने वाला भाई। 97 रुपये का द्वारका तेली बाग, ये नहीं उठाएंगे भाई, जूते वाली गली से पिकअप करना है अमीनाबाद से। जल्दी समर हो जाए तो फिर मैं आईडी बंद करूँ यार, गलत खोल लिया क्योंकि अच्छा बच, चलो देखते हैं कहाँ का बचता है, ऐसे ही रख के ले चलते फटाफट से ऊपर। ये आ रहा है 140 रुपये का, मिश्रपुर का है, चलो उठा लेते हैं। अपोजिट नोवेल्टी, चलो नोवेल्टी से पिकअप है, कोई मसला नहीं है। हाँ लाल बाग से पिकअप है लेकिन यहाँ से निकलने में समय लगेगा भाई, गलत जगह फंसे हैं। यहाँ से पिकअप दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा सा दूर है लेकिन है सुकून की जगह से, नोवेल्टी सिनेमा के पास से 1.8 किलोमीटर पिकअप है और जाना मिश्रपुर, हमारी लग रहा कुर्सी रोड की तरफ शायद जाना है लेकर के। 140 रुपये दे रहा है, अटल पैराडाइज अपार्टमेंट मेजर डिस्ट्रिक्ट मिश्रपुर उत्तर प्रदेश लखनऊ, ये शायद वहीं का ही है। यहाँ से इतना 140 रुपये कहीं उल्टा नहीं भेज पाएगा कोई, बहुत उल्टा नहीं भेज पाएगा, मतलब उल्टा भेज सकता है बट बहुत ज़्यादा नहीं। चलते फटाफट से पिक करने हैं गाइस, फाइनली पहुँच गए, उनकी लोकेशन गलत थी, यहाँ पे पिकअप है, मतलब पिकअप यहाँ से और यहाँ की लोकेशन डाली थी, ये है न्यू कार एक्सेसरीज करके, इन्हीं की दुकान से कुछ जाना है, यही जाना। चलो भाई कोई मसला नहीं है, बुक किसी और ने करा है, कहाँ पर जाना है, ये कुर्सी रोड लग रही है, यहाँ कुर्सी रोड में जाना है।
12 किलोमीटर खुल रहा है, कोई मसला मसाइल नहीं है, चलते फटाफट से। इसको बैग में डाल लूँ? अरे तो इसे भी टांग के भी ले जा सकता हूँ आराम से। 12 किलोमीटर के 140 रुपये हमें लग रहा कुछ कम है क्या है बताओ आप लोग कमेंट करके। लखनऊ का पे आउट देख रहे हो कैसा है, और दिल्ली का पे आउट देखो कितना गंदा है भाई। फाइनली गाइस पहुंच तो गया हूं, बट समझ नहीं आ रहा है कौन सा है। अब ये कार वार का सिस्टम है तो मेरे को यही लग रहा है गैराज टाइप का है। आप ही ने बुक किया? ये लो भाई क्वार्टर, आपका जो बिल बना है। भाई लोकेशन गलत थी भाई, हम एक्स्ट्रा गए थे पिक करने। लोकेशन कैसे गलत है यार? वही अरे तो अभी वीडियो दिखा दे रहा हूँ, देख लो कैसे। मतलब है जो हम दिखा दे, अब तुम कैसे देखो? अजीब आदमी हो भाई, हम बता रहे हैं जो दिखा रहे वो नहीं मान रहे, अपनी धुन लगा रहे हो, अजीब बात करते हो खाम खाम है भाई। तो लोकेशन इसमें ऐड है ना, हम तुम दिखा दे, वो हट तो नहीं गया होगा। अरे ऐड है, तुमने इसमें लिखा है भाई, लिखने से नहीं होता महाराज, समझिए बात को हम क्या कह रहे हैं। हमारे पास वीडियो आप देख लो, उसमें लाल बाग है, वही तो एक ही तो है। अरे वो लिखा है आपने हिंदी से कौन सा लिखा है? लिखा कहाँ देखो, सेफ साहब है एमजीएस ऑपोजिट नोवेल्टी सिनेमा, लेकिन लोकेशन इसे इस्लामिया के पीछे के लिए है। हफ्ते में दो तीन बार वहीं से बुक होती है। हाँ हाँ, हम भी दिन भर में 50 ऑर्डर करते हैं, वहीं से बुक। हम एक बात बता रहे हैं, उनसे पूछना उनको दिखाया है तो बताओ, तो वीडियो खोल दिखा दे, 140 रुपए हुआ वो देख लो भाई। हाँ हाँ, अरे लोकेशन जो बुक करी वो नहीं मान रहे, कह रहे हम दिन भर इसे करते हैं, हमारे पास फिर भी नहीं मान रहे हो, समझ ही नहीं रहे हो। ये देखो 140 रुपए हुए, कर दो भाई। देखो एक मिनट रुक जाओ, उसको भाई पोर्टर ऐप खोलो, बताएं कहाँ गए पोर्टर ऐप। चलो भाई ये रहा पोर्टर ऐप, ट्रिप हो गई एंड। अब करवाता हूँ फटाफट से इनसे, हम खुद ही 5 स्टार देख रहे हो, यहाँ पे 5 स्टार डन हो गया, हमने 5 स्टार कस्टमर को दिया, कस्टमर से खुद हमने ले लिया 5 स्टार। लो भैया 140 ही रुपये कर दो हमको, ठीक भाई। चलो एक बार ज़रा ऑफलाइन करके ऑनलाइन करते, डिले नहीं अभी तक अपडेट हुआ, पता नहीं क्या मसला है, जरा मानो तो यार। चलो भाई इसको डिलीवर्ड कर दिया, भैया से पेमेंट वेमेंट ले लिया है। तो भाई इस पोर्टर का मेरे को 119 रुपये मिला, चलो ठीक है, कुछ भी नहीं, कमीशन आफ्टर कमीशन के बाद, लेकिन ज़रा अपडेट नहीं हुआ, डिले दिखा रहा 58 मिनट का। भाई इनके नशे कमी नहीं हो रहे बॉर्डर के, ऐप सही चलते ही नहीं इनकी इस समय। कस्टमर बताओ नोवेल्टी डाल के बुक कर रहा है, और लोकेशन कहाँ की उठा रहा है, इस्लामिया के पीछे की, आप लोगों ने जैसे देखा था इससे पहले। चलो वेट करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट बॉर्डर कब आता है, कैसे आता है, कहाँ से आता है, ये नहीं कुछ आइडिया है, बट हाँ भाई ब्लॉग बनाते हैं। चलो भाई एक किलोमीटर की दूरी से ये पकड़ लिया है मैंने बॉर्डर, यहाँ से 174 रुपीज़ का, और ये जानकी विहार से ही पकड़ा है, बड़ियाँ गांव से जाना है विराजखंड गोमती नगर लेकर के सर। तो यहाँ से ट्रिप करता हूँ स्टार्ट, दिखाता हूँ कितने किलोमीटर ये सामान को जाना, कुछ पेपर वेपर जाने भैया के, ठीक है। तब तक अपन देख लेते हैं कितने किलोमीटर खुल गए। अरे हटो ना यार, ओला तुम्हें दर्द बहुत है। यहाँ से 16 किलोमीटर खुल रहा है, टाइम लगने वाला है 33 मिनट। चलो भाई इसको करते हैं कम्प्लीट वहाँ चल के, ठीक है। गाइस फाइनली आ चुके हैं, ये कोई ओयो है इंटरसिटी गेस्ट हाउस करके, कस्टमर को कॉल भी कर दिया, ये डॉक्यूमेंट्स है उनको दिखा नहीं सकते, इसे पीछे करके दिखा दूंगा आपको, ठीक है। ये देना है उनको, आ जाए भाई, जस्ट कॉल करा देन। मैंने पीछे एक ओला की राइड पकड़ ली है 99 रुपये की, 13 किलोमीटर की है, 4 बाग जाना है, वहाँ से जाने पर एक बेनिफिट हो जाएगा, मेरा पोर्टर लग जाएगा वहाँ से, क्योंकि इधर तो मुश्किल है। बस कस्टमर का वेट करें, जल्दी आ जाए, उनको भी लेट हो रहा राइड वाले जो हैं, देखते हैं क्या होता है। चलो उनको निपटाते हैं, इनका जो अमाउंट है मैं दिखा दे रहा हूँ, उनसे कितना रुपए लेना है मेरे को देख लो आप लोग, 154 रुपये लेना है, ठीक है। तो फटाफट से ये राइड को मैं कंप्लीट करता हूँ, आपको बाद में मिलता हूँ, ठीक। वो देखो सर जी निकल आए, आप कहिए, अरे आ गया भाई आ गया। चलो निपटाते फटाफट से, ठीक है, आपको सब कुछ दिखाई दिया, अब क्या ही दिखाने वाला है इसमें बचा है, फिर कोई नेक्स्ट पोर्टर लगता है तब दिखाते हैं आपको। गाइस 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 गाइस, तुम्हारे भाई ने यहीं पे जब पोर्टर डिलीवर किया था यहीं से पकड़ लिया 190 रुपये का पोर्टर, और इसको लेकर के जाना है कहाँ पर कौन से फाउंडेशन रोड आलमबाग लेकर के जाना है, समझ रहे हो भाई। तो बहुत सही है भाई, मेरे लिए बहुत ज़्यादा सही, चलते फटाफट से पहले इनको पिकअप करते फिर राइड पिकअप करते 4 बाग वाली, दोनों लाइन मतलब एक रास्ते में ही पड़ेंगी दोनों चीज़ें, तो मेरे लिए बेनिफिट है, चलते पहले पोर्टर को पिक करने, ठीक है। जब इसको कंप्लीट करेंगे तब वहाँ पर दिखाएंगे चल के, दिन तो ठीक है अभी हमें लग रहा। गाइस वो राइड तो नहीं हुई थी, वो राइड कैंसिल कर दी थी कस्टमर ने, फिर देन ये 123 रुपये की एक राइड मैं लेकर के आ गया था, और कस्टमर ने इस राइड में मेरे को 50 रुपये एक्स्ट्रा दिए, तो 173 रुपये हो गया, ठीक है इस राइड का। और वो जो पोर्टर लेकर के आया था, मैं पोर्टर दिखा दे रहा हूँ, एक सेकंड पोर्टर मैं दिखा दूँ आपको, 161 रुपये का पोर्टर हो गया था, ठीक है। तो आप लोग गाइस चेक कर लेना, 180 161 रुपये, यानी कि 200 8 6 14
मतलब कि 340 रुपए का ये पूरा फेयर पड़ा मेरे को, ठीक है। एयर बार बार राइड बज रही एयरपोर्ट की, तो मैं एयरपोर्ट आ चुका हूँ, मिलता हूँ जब कोई राइड वाइड बढ़िया लगती। तो अभी तक मेरी जो अर्निंग हो गई है 750 रुपए की हो गई, 759 रुपए की, ठीक है। और एयरपोर्ट तो हूँ, देखता हूँ यहाँ से पोर्टर, लेकिन यहाँ से पोर्टर ध्यान से देख के उठाना होगा मेरे को। बाकी सब बाइक की आईडी सब खुली हुई है, देखते हैं क्या होता है। कम से कम 1200 रुपए का काम, 1400 रुपए का, 1200 रुपए का तो काम इधर हो जाना चाहिए हमारी समझ से। अगर पोर्टर यहाँ से एक बढ़िया बच जाए 300-400 वाला, तो फिर मजे ही मजे इसकी बैंड की। देखते हैं क्या होता है, ठीक है, वेट करते हैं। तो गाइस वहाँ से चले आए थे एयरपोर्ट से हम ट्रांसपोर्ट नगर की तरफ। तो ट्रांसपोर्ट नगर से देखो मैंने एक पोर्टर पकड़ लिया है, 259 रुपए का मैंने पोर्टर पकड़ा, ठीक है। और ये देना कहाँ पर है, मुंशी पुलिया चौराहे सेक्टर 12 में देना है। तो यहाँ से इसका पिकअप है, पिकअप भी आपको दिखा दे रहा हूँ, देखो 650 मीटर पे पिकअप है। फटाफट चलते हैं इनको पिकअप करने के लिए, ठीक है, तुरंत। यहाँ चाय वाय पी रहे, चाय वाय पी चुका हूँ, चल रहे हैं इनको पिकअप करने। तो गाइस पहुँच तो गए हैं, यहीं से पिकअप कुछ करना है। आप ही ने बोला वो पोर्टर भैया, पोर्टर बुक किया था अभी, तो बात हुई आपसे, बात हो रही थी फर्स्ट फ्लोर पे, बताया उन्होंने। चलो अच्छा कॉल कर लेता, सॉरी माफ़ करना। मकान नंबर नहीं है ये, यहाँ से पिक करना है 479 बगल वाला। अरे 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 माफ़ करना भाई, किसी और के में घुस आया। तो भाई अब सही जगह पहुँच पाए हैं कैसे भी करके, ये यहीं से शायद देखो ये कुछ जाना है वो भैया पोर्टर वाला। अगर कोई टेप हो तो इसी में लगा, तो भूल जाते हैं वैसे, कोई टेप हो तो ऐसे डबल करके इसी में चिपका दो। चलो भाई ट्रिप करते हैं स्टार्ट। पैसे कहाँ से मिलेंगे भैया? पैसे वहीं से मिलेंगे। ओह कितने किलोमीटर डिस्टेंस है, 25 किलोमीटर खुल रहा है, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है? ये तो गलत रास्ता दिखा रहा भाई, कोई तो और होना चाहिए। ये बीच का रास्ता खुला है, ये 22 किलोमीटर है। चलो भाई 22 किलोमीटर वाले से अपन जाएंगे, 25 वाला बहुत ज़्यादा बाहर से हो रहा है, और 22 किलोमीटर वाले के ही पैसे मिले भी हमें लग रहा है। एक सेकंड रुकना मैं देख लेता हूँ, हाँ 259 रुपये। चलो फटाफट चलते हैं, इसमें टाइम कितना लगने वाला है, 52 मिनट, पूरा एक घंटा भाई। गाइस आपको दिखाते, देखो ये पूरा दोनों तरफ पुल पे देख रहे हो सन्नाटा है, मैं जा ही रहा था। अब दिखाते कहर ये सन्नाटा क्यों है, आप लोग देखो, मैं इधर देख रहा हूँ रेड मार्क पूरा पूरा मैप में, ये देखो भाई इस कदर का ट्रैफिक रोक रखा है वीआईपी एक्टिविटीज़ के लिए, वीआईपीयों के लिए जलवे है भाई, कुछ भी कहो। देख रहे हो पूरा पूरा चौक कर रखा है रास्ता, वो देखो दिख रहा कि नहीं आप लोग को, पूरा भर भर के जाम है। इधर देख लो, उधर ना समझ में आए तो उधर देख लो भाई, अभी 8.9 किलोमीटर बचा है। हमने कहा भाई जो 21-22 किलोमीटर दिखा था उसी से जाओ, क्या मतलब है फालतू पैसा फूको, कहे गाड़ी एक्स्ट्रा चलाओ, है ना, कोई हमारी ट्रेन तो छूट नहीं रही, आराम से पहुँचेगा। और 21-22 दिखा रहा था तो इसी वजह से दिखा रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक लगा, बाकी तो ये रास्ता एकदम क्रिस्टल क्लियर वाला रास्ता है। चलो तो गाइस पहुँच गया हूँ कस्टमर की लोकेशन पे, फटाफट से इसको करता हूँ ड्रॉप। ये आइटम है इनका, ये कुछ भी जो डिब्बे वब्बे हैं, एम लतीफ़ के नाम से दुकान है मुंशी पुलिया पे। ओ भाई ये लेना पोर्टर से आए, आपका फेयर देख लो कितना होगा कि मैं, एक सेकंड, भाई 259 रुपये हुआ आपका। चलो भाई पैसे से मिल चुके हैं, तुम्हारे भाई का इस पोर्टर मतलब इस ट्रिप पे कितना बना, 220 रुपये तुम्हारे भाई का बना, ठीक है, इस ट्रिप पे तो बेहतरीन है। तो अभी तक जो अर्निंग हो गई, अब इसको फेंको उधर, ये जो अभी अर्निंग हो चुकी है वो अर्निंग मैं दिखा दे रहा हूँ अभी तक कि तुम्हारे भाई के, टाइम चेक करो, 7:56 मिनट यानी कि 8 घंटे में 980 रुपये की अर्निंग केवल पोर्टर में हो चुकी है, आप लोग समझ सकते हो। बाकी मिलते हैं अभी, देखो यहीं पर फिर से लगेगा पोर्टर, मुंशी पुलिया पे आ चुका हूँ, नेक्स्ट पोर्टर को वेट करता हूँ, तो चाय वाय पीते कहीं कोने में रोक के। गाइस यहाँ से बैठे बैठे यहीं से मैंने एक 72 रुपये का और पोर्टर पकड़ लिया, जो कि RLB से पिकअप करना है, 1 किलोमीटर पिकअप है, और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के पास जाके देना है, ओमैक्स हाइट्स में। तो फटाफट चलते हैं इनको पिकअप करके ड्रॉप करते हैं, छोटा सा पोर्टर है, हमने कहा चलो कर ही लो, खाली बैठने से अच्छा है तो सह लेंगे थोड़ा सा। तो गाइस ये है पार्सल, एक जूते का डिब्बा है उनका, ठीक है, उसको तो हैंडल पे टांग लूंगा,
अब यहाँ पे करता हूँ मैं ट्रिप को स्टार्ट, दिखाता हूँ कितने किलोमीटर की ट्रिप है जिसका ये 73 रुपये मतलब हो रहा है फेयर। अभी आपको दिखेगा तो है नहीं इसे, ये मेट्रो का रूट लिया करता है। 3.5 किलोमीटर जाना है ड्रॉप करने, फटाफट से चलता हूँ 3.5 किलोमीटर ड्रॉप करने। एग्जैक्ट देखे 3.5 ही है, हाँ 3.5 ही है, चलते फटाफट से उनको ड्रॉप करने। ठीक है गाइज, वो मैंने ऑर्डर तो कंप्लीट कर लिया, बस कस्टमर से ऑनलाइन पेड करवाया था तब भी मेरे वॉलेट से पैसा कट गया है। चलो मैं कंपनी से करके ऐड करवाता हूँ भाई अपने में, भाई मेरे में ऐड नहीं हुआ, मेरा माइनस में चला गया वॉलेट में खुद पैसा। ठीक है रुको कंपनी से बात करता हूँ मैं, एक मिनट रुको। गाइज मैं गोमती नगर में रुका हुआ था तो मैंने एक रैपिडो की ये राइड है दिखा रहा हूँ आपको, ये राइड थी, अरे भाई दिखेगा ही नहीं, एक सेकंड फोकस करने दो, 108 रुपये की राइड थी। ठीक है मैं यहाँ पर कलेक्ट कर रहा हूँ कैश, ठीक 5-स्टार रेटिंग कर रहा हूँ और पोलाइट और ये वो सब कुछ कर दे रहा हूँ, और भी कुछ होता तो मैं वो भी कर देता, तो कोई लिमिटर दिखाने लगा एक सेट का। ठीक है भाई माफ़ करो गलती हुई है। ठीक है कस्टमर ने ये 100 रुपये मेरे को कैश दिए हैं, देन एक सेकंड और दिखाता हूँ आपको, 100 रुपये ये दिए हैं वर्चस्व जी ने, अबे भाई फोकस हो जा, 100 रुपये ये दिए हैं ऑनलाइन, तो 200 रुपये भाई इस राइड के, समझ रहे हो भाई, 100 रुपये तो ये क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री या टिप जो भी समझो उसको। ठीक है और मैं राजाजीपुरम में आ गया हूँ भाई, यहाँ पे कुत्ते लोगों ने घेर रखा है मेरे को और यहाँ से मैं निकल रहा हूँ, नहीं तो काट कूट लेंगे। ठीक है अब पोर्टर का वेट करता हूँ या तो कुछ करता हूँ, मसला तो बिगड़ रहा है, पोर्टर लगा नहीं रहता, हमने कहा चलो रैपिडो भी खोल लेते हैं। ठीक है देखते क्या होता है, अब राइड आती है कि नहीं आती है, क्या होता है। अभी टाइम हो चुका है 9:30, अभी टाइम एग्जैक्ट दिखा दे रहा हूँ आपको, देखो गाइस, अबे भाई ब्लर भी ब्लर दिखा रहा है, दिख रहा है आपको 9:30 बज रहा है। ठीक है मिलते हैं आपसे जब कुछ आता है बढ़िया पोर्टर, या तो फिर सीधे घर की तरफ निकलते। अरे ये देखो टच हो गया पोर्टर पे, हमें लग रहा अभी ऑर्डर नहीं बज रहा इसे ही है। फाइनली गाइज ये है मेरा लास्ट रैपिडो का पार्सल, ये एक पार्सल लेकर के आया था। ठीक है अभी टाइम चेक कर लो गाइज आप कितना बज रहा है, 10:36 हो रहा है और कस्टमर को मैंने फ़ोन ऑन कर रखा, कस्टमर आ रहे हैं, इसको कंप्लीट करके सीधे चल रहा हूँ घर। तो आज अपन ने 10:30 घंटे लगभग काम करा है और घर चल के बताते हैं कि ऐसे क्या है पोर्टर का, अभी वो दिखाऊंगा नहीं कि पोर्टर की अर्निंग कैसी है, घर चल के दिखाऊंगा तब आपको मज़े आ जाएंगे, समझ लो। तुम्हारा भाई बोल रहा है मज़े आ जाएंगे तो फिर मज़े ही आ जाएंगे। हाँ तो भैया जी आ चुके एकदम घर पे, एकदम खा पी के एकदम फिट हो चुके हैं और भाई मुंह धो के, भाई मुंह बताया किससे धोया बताएंगे, जोमेटो वालों ने मेरे लिए एक ग्रूमिंग किट भेजी है, समझ रहे हो कि नहीं, अरे नहीं समझे तो मैं बता दे रहा, जिसमें मेरे लिए फेस वॉश और दाढ़ी, मतलब दाढ़ी बनाने की किट पूरी भेज दी है, बाकी सब समझ लो ऐसा ही सर। तो उसमें से एक स्क्रबर था, पता नहीं क्या था वो, मंजन बुरूस मैंने लगाया, तो चेहरा देखो गोरा हुआ काला हुआ कमेंट करके बताना। ठीक है तो आज अपन ने 12 घंटे पूरे काम करे हैं, वो जो मैंने लास्ट दिखाया था, देन उसके बाद मैंने दो ऑर्डर करे, दो ऑर्डर कैसे कैसे करें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। 11:01 पे मैंने एक पोर्टर का 151 रुपये का ट्रिप थी, मेरे को 128 रुपये उसमें मिले। ठीक है यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, आज आपको ऑफिशियल अर्निंग और अनऑफिशियल अर्निंग दोनों मिला के बताएंगे, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे 12 घंटे में कितने की मतलब कमाई करी। तो ये रहा एक पोर्टर वाला ऑर्डर हमने दिखे लिया, देन उसके बाद मेरा एक पार्सल लग गया था रैपिडो पे, भरवारा क्रॉसिंग से पिकअप करना था, गोमती नगर में डिलीवर करने के बाद वो वाले पोर्टर को भरवारा क्रॉसिंग से पिकअप करके फिर यहाँ पे इंदिरा नगर में देना था, उसको देकर चुपचाप चलाया मैं घर पे। तो सिस्टम यही रहा हमारा और जो अर्निंग है मैं बता दे रहा हूँ आप लोग सब देखो, यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी 1231 रुपये की 12 घंटे में अर्निंग हुई है पोर्टर में, यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हो कहीं पे। ठीक है और देन उसके बाद 366 रुपये की डिस्प्ले होगी यहाँ पर रैपिडो की अर्निंग। ये तो दोनों चीज़ें रहीं ऑफिशियल, अब बताता हूँ अनऑफिशियल क्या क्या चीज़ें। 80 रुपये की एक ट्रिप थी अनऑफिशियल, ठीक है और वो ऑफिशियल है बट मैं शो नहीं करा सकता, लेकिन हाँ वो उसको अनऑफिशियल मान सकते हो। ठीक है 100 रुपये एक राइड में एक्स्ट्रा मिले थे, रैपिडो वाली राइड जो मैं राजाजीपुरम लेकर गया था, मैंने आपको दिखाया था कि 100 रुपये ऑनलाइन करे, 100 रुपये उन्होंने कैश करे, 108 रुपये की राइड थी, मतलब भाई 98 100 रुपये मोटा मोटी पकड़ लो। और 50 रुपये एक राइड में एक्स्ट्रा मिला, वो जो मैं एयरपोर्ट लेकर गया था रैपिडो की, 123 रुपये उनका मतलब बिल बन रहा था, उन्होंने मेरे को 180 रुपये करा था, तो 50 रुपये वहाँ। फिर एक मैंने जो पोर्टर जो लास्ट में उसके सेकंड लास्ट वाला मेरा जो पोर्टर है उसका जो बिल बन रहा था 75 या 74 रुपये से कुछ बिल बन रहा था उनका फाइनल अमाउंट, तो उन्होंने मेरे को करा था मतलब ये टोटल बिल 74 रुपये का था ये वाली ट्रिप है, तो उन्होंने मेरे को टोटल ऑनलाइन 100 रुपये करा था। तो मतलब जो अर्निंग टोटल मिला जुला करके 1231 366 और 80 100 50 25 टोटल मिला करके हो रही है 1850 रुपये की अर्निंग 12 घंटे में, समझ लो मोटा मोटी। तो आउटरो बहुत मैंने लंबा घसीट दिया, कोई बात नहीं भैया घसीट जाने दो, मैंने कहा पूरी बात क्लियर हो जाएगी तभी इसको एंड करेंगे।
तो 1850 रुपए की अर्निंग, 300 रुपए काट लो पेट्रोल, 350 रुपए भी काट लोगे खा पी करके, तो भाई अपन को 1500 रुपए बच गए 12 घंटे में, जो क्या पोर्टर ने बहुत साथ दिया, पोर्टर ने अर्निंग करा दी। आज पोर्टर से मैंने मतलब पोर्टर से निराश नहीं हूँ, पोर्टर से खुश हूँ। पता इसी अर्निंग डेली कराते रहे केवल पोर्टर तो मजे ही मजे आ जाए, क्योंकि भाई बाइक टैक्सी मेरी उतनी परफॉर्म नहीं कर पाती है, तो बस इसको साइड में रख रखा है। आप लोग अर्निंग खुद ही देख के समझ गए होंगे। बाकी बताना वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और अपने माँ बाप का ख्याल रखना। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। मेरी एक एडवाइस है, कभी ना हाथ जोड़ना, मंजिल को पास रख, तू से वास्ता ना तोड़ना, लास्ट तक ये खास कर, तू रास्ता ना छोड़ना, सपने होंगे वास्तव, सिर्फ आज का ना सोचना।